हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये एंगल मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आ रहा है, मेरी वीडियो में फ़र्स्ट बार आ रहा है। तो गाइस, ये जो है मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। मैंने हेलमेट पे माउंट कर रखा है इस गोप्रो को और सुबह सुबह भाई निकल पड़ा हूँ मोटो व्लॉग करने के लिए। काफ़ी दिनों से मन था मेरा वैसे मोटो व्लॉग करने का, लेकिन कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि कभी इधर कभी उधर जाना, कभी कुछ कभी कुछ। तो फाइनली आज भाई टाइम मिला है मोटो व्लॉग करने का। और सुबह सुबह वैसे तो मैं जल्दी निकल रहा था घर से, लेकिन भाई पहली बार माउंट कर रहा था कैमरे को मैं हेलमेट पे, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो अगर आपको सबसे पहले तो वो देखना हो कि गोप्रो कैसे माउंट करा है मैंने इस कैमरे पे, इस हेलमेट पे, तो उसके लिए आपको ओ भाई यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, रुक जाओ। तो उसके लिए भाई मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो वीडियो मैंने बनाई नहीं है। लेकिन अगर आपको देखना है तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा कि कैसे माउंट करा है मैंने कैमरे को अपने हेलमेट पे। फ़िलहाल भाई मैं निकल पड़ा हूँ मोटो व्लॉग करने के लिए। तो गाइस ये अपना फर्स्ट मोटो व्लॉग होने वाला है, तो पता नहीं भाई कैसा बनेगा नहीं बनेगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि किस तरह का एंगल रखना है इस कैमरे का, अभी कहाँ पे एंगल है नहीं है। मुझे तो इतना पता है कि कम से कम इसका यहाँ तक आना चाहिए और बाकी थोड़ा रोड आना चाहिए। बाकी भाई आप बताना कैसा एंगल आ रहा है नहीं आ रहा है। और आपको बता दूँ गाइस, मैंने जो है इसमें माइक भी लगा रखा है जो कि हेलमेट के अंदर है, तो आई थिंक आवाज़ तो अच्छी आ रही होगी। अगर आवाज़ सही नहीं आ रही है तो वो भी बता देना, ठीक है। तो अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे सही करने की, क्योंकि अभी तो मुझे खुद नहीं पता ना कि क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा, वो तो एडिट करते समय मुझे भी पता चल जाएगा। तो चलो भाई, थोड़ी ठंड लग रही है इसलिए मैंने फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन ली थी। ठंडी बढ़ती जा रही है, देख रहे हो लोग जैकेट्स पहन के जा रहे हैं, तो सही है भाई। चलो यार, मैंने सोचा था कि सनराइज़ का थोड़ा चल के देखेंगे व्यू कहीं से, लेकिन ऐसा हो गया कि सनराइज़ तो मुझसे निकलने से पहले ही हो गया, मेरे घर से निकलने से पहले ही मैं थोड़ा लेट हो गया इस कैमरे के चक्कर में, माउंट करने के चक्कर में। लेकिन अब यह है कि सीख गया हूँ, अगली बार माउंट करना होगा तो आराम से कर लूँगा। तो छोटी सी वीडियो रहेगी ये मोटो व्लॉगिंग की, अगर पसंद आएगा तो फिर आगे और बनाएंगे भाई, नई नई जगह जाएंगे और वीडियो बनाएंगे आपके लिए अगर पसंद आएगी तो। वैसे भाई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह का 7 ही बज रहे हैं सुबह के और मैं सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ। और भाई मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने इस बाइक पे जो अपने पास पड़ी थी घर पे, काफ़ी पुरानी बाइक है, हालत तो देख ही सकते हो, ये सब बंद पड़ा है भाई। ये तो अभी बंद हो गया था, नई बाइक आई थी हमारी तो घर बन रहा था उस समय, तो लेंटर पड़ा था ऊपर से भाई, एक वो गिरा लोहे का इस पे और ये तभी ख़राब हो गया। टंकी वंकी भी इसकी टूट गई थी, टंकी पर टेपिंग करवाई थी वो भी ख़राब हो गई, और ये सब बाकी ख़राब हो चुका है। तो कोई बात नहीं, चलो चलो अभी फ़िलहाल भाई देव आ रहा है, मैंने उसे बोला था चलेगा क्या घूमने के लिए, तो उसने बोला चलूँगा, तो मैंने बोला चलो फिर सुबह सुबह, क्योंकि संडे का दिन है आज गाइस, संडे राइड कर रहे हैं हम अपनी पैशन प्रो पे। भाई ये देखो यहाँ पे ना, कल सैटरडे था ना तो यहाँ पे मार्केट लगता है, वीकली मार्केट। तो अभी देखो सुबह का क्या हाल है, वैसे साफ़ हो जाएगा ये अभी 10 बजे 11 बजे तक, नहीं पूरा साफ़ कर देंगे, बिल्कुल स्वच्छ एकदम। भाई नोएडा में सफाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल नोएडा, ये तो भी थोड़ा लग रहा है ना कल मार्केट की वजह से। चलो भाई, देव ने कहा था कि मैं तुझे यहीं कहीं मिलूंगा, तो यहीं कहीं खड़ा होगा वो, उसे लेते हैं फिर निकलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं आज मोटो व्लॉग करके। भाई मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आता है मोटो व्लॉग करने में, ये खड़ा सामने। बैठ जा जल्दी, ठंड नहीं लग रही तुझे? यहाँ देख रहे हो भाई दोनों तरफ गाड़ी लगी हुई है, लोगों के पास भाई जगह नहीं होती, गाड़ी जरूर होती है लेकिन जगह नहीं होती लगाने के लिए। देखो ये कैसे खड़ी है रास्ते पे, जल्दी आइयो भाई, ये गया वो लेने के लिए जर्सी, से ठंड लग रही थी, पहन जो इसे दिखाने के लिए लाया है, स्कूल थोड़ी है भाई। भाई स्कूल में जब पढ़ता था तब ठंड क्यों नहीं लगती थी? नहीं भाई तब तो भाई स्कूल वाले डांटते थे कि पहन के क्यों नहीं आ रहे, पहन के क्यों नहीं आ रहे, सही में तब ठंड नहीं लगती थी, अब इतनी ठंड लग रही है कि हल्की सी ठंड लगे सर में दर्द होने लगता भाई। तो चलो इस वाले फ्लाईओवर पे चलते हैं ऊपर, थोड़ा घूम के आते हैं और देख के आते हैं नज़ारा। ओ भाई बिहार नंबर है ये, देखो BR नंबर है, BR 33। कहाँ से हो अंकल, कौन जिला का हो मर्दे? तो गाइस अभी मैं थोड़ी बाइक दौड़ाने वाला हूँ और फिर देखेंगे कि मेरी आवाज़ आती है कि बाइक की आवाज़ आती है ना, तो इससे पता चल जाएगा कि अगर मैं कभी मोटो व्लॉग करता हूँ और स्पीड में चलाऊँ बाइक को स्पीड में
तो मेरी आवाज़ आनी चाहिए। अगर आवाज़ आ रही है तो लिख दो कि आ रही है, नहीं आ रही तो भाई अगली बार सही कर लेंगे इसको। वैसे तो आनी चाहिए क्योंकि जो माइक है भाई बिल्कुल मैंने अपने ऑटो के पास लगा रखा है ताकि मेरी आवाज़ सीधे माइक में एंटर हो जाए। टक 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 टक। चलो तो अभी हम करके आते हैं सुबह सुबह कृष्ण जी के दर्शन। मंदिर पहुंचने वाले हैं हम इस्कॉन टेंपल, जो कि आपने व्लॉग देखे होंगे मेरे बहुत सारे इस्कॉन टेंपल्स के। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं कृष्ण जी के। तो गाइस ये आ चुका है अपना इस्कॉन टेंपल। चलिए जय श्री कृष्ण। यहाँ से लेंगे राइट और जाएंगे अभी हम नोएडा स्टेडियम। तो नोएडा स्टेडियम में देख के आते हैं क्या चल रहा है। ओके ओके, ऑफ रोडिंग करें क्या? ऑफ रोडिंग करते हैं। चलो गाइस यहाँ से हम ऑफ रोडिंग करके जाएंगे नोएडा स्टेडियम। चलो अभी अब इस कैमरे का और डर है मुझे। पहली बार मैंने माउंट करा है कैमरा और कहीं इस गड्ढे में गिर ना जाए कैमरा। पता नहीं भाई सही से बंधा हुआ है या नहीं है, टाइट है नहीं है। बाकी चलो ऑफ रोडिंग करने के लिए हम आ चुके हैं इस वाले रास्ते पे। अपनी पैशन प्रो से ऑफ रोडिंग चल रही है अभी। चलो ओ भाई चलो 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 चलो, सामने में स्टेडियम दिख रहा है यहाँ से। और ये भाई अपनी 9100 नंबर की एक्सयूवी साफ कर रहे हैं। अबे आगे रास्ता भी है या बंद है? अबे ये क्या बना रखा है वैसे, अजीब सा ही कुछ है ही नहीं ये। और ये क्रिकेट चल रहा भाई सुबह सुबह, क्या बात है। मार 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 मार, अरे आउट है भाई आउट है। चलो यहाँ से निकालते हैं भाई, देख रहे हो जहाँ से बस जाती है वहाँ से मैं पैशन प्रो निकाल रहा हूँ। अब ये पंचर ना हो जाए वो तेरी। अबे है भी रास्ता। अरे भाई पहले ही मोटो व्लॉग में मैंने आपको ऑफ रोडिंग दिखा दी पैशन प्रो से, और क्या चाहिए है भाई। बढ़िया बढ़िया, पता नहीं क्या बोला भाई, कौन सी भाषा बोला। अरे ये वो है ना बस वाले हैं, कहीं बाहर के होंगे। ओ चाय चाय पीनी है, चाय पीनी है। अब तो चाय दिख गया मेरे को, चाय पियेंगे भाई। हाँ हाँ हाँ, सुबह घर से निकलते समय मैंने चाय नहीं पी थी, चाय दिख गई, अब चाय पियेंगे कहीं चल के। अरे ये गार्ड चाचा क्या कर रहे हैं, हर रास्ते पे खड़ा है, चलान काटेगा कि ये। चलो नोएडा स्टेडियम में आ गए हम, एंटर कर लेते हैं। ये कर लिया हमने एंट्री, और भाई सुबह सुबह का टाइम है तो काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। क्या हो गया भाई, लड़की उड़ाया है? तो ये देख रहे हो भाई कितने सारे लोग हैं सुबह सुबह। अरे बाप रे, ओ भाई कितनी भीड़ है बे, इधर पूरी गाड़ी है भरी हुई, इधर भरी हुई। अरे भाई साहब इधर भी भरा हुआ। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? अच्छा टाइकवांडो क्लासेस हैं, या तो ये क्लास हो रहा है या तो किसी चीज़ का कंपटीशन, मतलब टाइकवांडो का। लेकिन भाई इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी नोएडा स्टेडियम में। मुझे वैसे जब आता हूँ मेला वेला लगा होता है ना तभी इतनी भीड़ होती है, भाई आज पहली बार देख रहा हूँ। योसोम योगा स्टूडियो, योगा स्टूडियो फ़ोटो खींचते हैं क्या योगा करवा के? सामने में भी भाई टेंट सा लगा हुआ है, कुछ है क्या भाई? मुझे भी लग रहा है कुछ है। अरे भाई सब भी फुल है, स्केटिंग वाले स्केटिंग कर रहे हैं, टैकवोंडो वाले टैकवोंडो कर रहे हैं। ये देखो कितने स्केटिंग कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। अरे भाई साहब यहाँ लोकल गली क्रिकेट चल रहा है, ये क्या बात है। बोलो कितने सारे खड़े हैं लोग यहाँ पे, और सामने क्या चल रहा है भाई, कोई प्रोग्राम है क्या भाई? हर जगह खेलने जहाँ देखो उठा के वहीं बंदे हैं। ओए होए स्केटिंग, भाई याद आ गई मुझे भी, जो गिरता था ना स्केटिंग करते समय, गजब। ये क्या है, क्या है ये? कुकड़ू को आर्ट फेस्ट है भाई ये, क्या मुर्गे बिकते हैं क्या? अच्छा जेनेसिस ग्लोबल स्कूल प्रोमिसिंग फ्यूचर प्रेजेंट कुकड़ू को आर्ट फेस्ट। अच्छा आर्ट फेस्ट है यार ये बच्चों का, देख रहे हो वहाँ पेंट वेंट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई आर्टिस्ट बच्चे होंगे तो यहाँ पे कंपटीशन वगैरह हुआ होगा आर्ट का। वो पिच पे आ गए क्या हम? और तेरी
ये देखो बैटिंग करा भाई, पिच पे ही आ गए सही में। ओ भाई साहब गजब है भाई, सुबह सुबह मैं तो इस टाइम सोया रहता था भाई, अभी आके देख रहा हूँ इतने लोग खेल रहे हैं भाई, कहाँ खोए रहते हो तुम। देखो अंकल वो योगा कर रहे हैं। ओए 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 क्या यार, कितने आलसी लोग हो तुम, सोए रहते हो इतने बजे तक। देखो यार यहाँ 5 बजे से बंदे खेल रहे हैं, सुबह से पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, तुम अभी 8 बज गए सुबह के सोए हुए, उठ जाओ भाई, छोड़ो रजाई। ये देखो बुढ़े अंकल, देखो इतने एजड होके भी घूम रहे हैं सुबह सुबह। चलो भाई बाहर निकलते हैं यहाँ से, यहाँ तो बहुत भीड़ है। और ये गोल्फ कोर्स है, गोल्फ रेंज, इसमें भी होंगे लोग, दिख ही नहीं रहे। इसमें भाई थोड़ी मोटी पार्टी आती है पैसों वाली। गोल्फ भाई कोई मिडिल क्लास का बंदा नहीं खेल सकता। अबे ये गाड़ी का ठुक गई है क्या भाई, इतनी देर से यहीं खड़ी है, कुछ तो चक्कर है, नई गाड़ी है भाई, क्या हो गया, कुछ तो हुआ है भाई। भाई हटा ही नहीं रहा बंदा, रास्ते पे खड़ी कर रखी है, कुछ तो हुआ है, लेकिन ठुकी नहीं थी उसकी गाड़ी। भाई सुबह सुबह नशे करके आया है क्या, कैसे खड़ी करी है इसने गाड़ी, हद है यार, चल क्या रहा है नोएडा में। चलो ओ कहाँ जाना है मुझे, कुछ आइडिया नहीं है, सीधा चल लेता हूँ। ओ चाय छूट गई, आगे पियेंगे, चलो मुझे चाय पीना है, मुझे नहीं पता है। तो भाई अभी हम एंटर कर गए गांव में चाय की खोज में, और भाई कहीं चाय पीना है, चाय पीते हैं और फिर। ओए 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 ये तो बड़े बड़े ब्रेकर हैं भाई यहाँ पे, और तेरी चाय के चक्कर में गलियों में घुस चुके हैं हम, देख रहे हो ऐसे गलियाँ जानी पहचानी है। ओह यहीं मैं ट्यूशन पढ़ने आता था भाई बहुत पहले। अरे यार ये ब्रेकर बहुत साल, और तेरी बाइक बंद पड़ गई। भाई ब्रेकर का है ख़त्म नहीं होता है बे, देखो फिर 2 कदम पे फिर ब्रेकर आ गया, लो ब्रेक मारो स्विफ्ट, देख रहे हो पूरे टेंट हैं, अलॉयज हैं, क्या बात है, गांव है ना ये। ओ ब्रेकर भाई कितने ब्रेकर हैं यार, हद हो गई। चलो वैसे कोई इरादा नहीं था मेरा भाई इस गांव में घुसने का, लेकिन आ ही गया, पता नहीं कैसे बाइक मुड़ गई अपने आप, तो आ ही गया मैं। चलो अरे बाप रे, सुबह सुबह का टाइम है, रोड पे लोगों ने पानी फैला रखा है। गिजोड़ है ना? हाँ भाई ये है गांव गिजोड़, नोएडा का है ना। अरे बाप रे, छोटी छोटी गलियाँ और छोटी होती जाएंगी भाई जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। कोई बात नहीं, ये हुई ना बात, अब लग रहा है ना असली गांव में पहुंचे हैं ना, क्या बात है। चलो भाई चलो, वैसे साफ सुथरा है गांव, देख रहे हो भाई सब लोग ना देख भी रहे हैं मुझे कि ये क्या कर रहा है। वैसे बाइक तो पैसा ना, बाइक को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये जो कैमरा लगा है ना इसको सब देख रहे हैं कि ये क्या है। भाई इधर तो छोटी गलियां हैं, तो यहाँ से हम पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं, यहाँ से बाहर का रास्ता सामने से ही है। ये देखो सफाई का नाम लिया था मैंने, देख रहे हो कितनी लंबी झाड़ू से अंकल मार रहे हैं झाड़ू। चलो 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 निकलो, चाय नहीं मिली भाई, यहाँ पूरी गली घूमी आए गांव के अंदर लेकिन चाय नहीं मिली है हमें। भाई 10 रुपये की चाय के चक्कर में मैंने अपना 100 रुपये का पेट्रोल फूंक दिया है, जूस ही जूस मिलने हैं भाई, देख रहे हो जूस वाले मुझे कम से कम 20 मिल चुके हैं। भगवान का ये कहीं संदेश तो नहीं है कि जूस पी ले बेटा। भाई यहाँ पे आशा है कि चाय मिल जाए हमें, तो देखते भाई यहाँ रहते तो हैं चाय वाले, वो रहा भाई वहाँ पे पीऊँगा, वहाँ पिया है मैंने। चलो फाइनली चाय मिल गई है हमें, चलो चाय ले लेते हैं, क्या हो गया भाई, यहाँ पियेंगे चाय। दो कप बना देना आंटी जी, 2 कप। तो भाई यहाँ पे पियेंगे हम चाय धूप में बैठ के,
यहाँ पे मज़ा आएगा ना धूप में बैठ के चाय पीने का। चलो तो पहले तो धूप वाली एक बेंच ढूंढ लेते हैं, वो खाली पड़ी है, उस पर बैठ के पीते हैं चाय। तो ये जी भाई अपनी मट्ठी और चाय। तो ये सब पलट मुझे नहीं आती। अरे यार पलटनी तो मुझे भी नहीं आती। अरे बाप रे गर्म भी है ये तो। अभी आ गए हैं, निकाल लिए चाय अपनी, अब पीते हैं चाय मट्ठी के साथ में। बगल से स्मेल आ रही थी उधर से कहीं, मुझे लगा ना मट्ठी महक रही है। पार्टी ख़त्म हो चुकी है तब आए हैं ये दोनों। अभी हम मट्ठी खा रहे थे, जब मेरी मट्ठी ख़त्म होगी ना तब ये दोनों पहुँचे हैं, दोनों के दोनों लेट हैं। चलो भाई आज तो ख़त्म है, अगले दिन आना। अब काट लेगा ऐसे में डर जाते हैं ना। चलो भाई पीछे ही नहीं छोड़ रहे अब तो ये दोनों, बाय बाद में किसी और दिन। चलो भाई चाय हो गई है, अब निकलते हैं यहाँ से सीधा घर। और धूप भी अच्छी आ रही थी भाई पार्क में, वहाँ जहाँ पे हमने ली थी ना वहाँ पे धूप उतनी अच्छी थी नहीं, तो इस वजह से हम यहाँ पे आके पी लिया हमने। ओए अबे भाई मज़े ले रहा है। सामने में आप जो मशीन देख रहे हैं ना, ये है भाई एंटी स्मॉग गन, जो कि भाई पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है। ये ना पानी का छिड़काव करेंगे। देखो अभी इन्होंने इंजन स्टार्ट कर दिया है, अब यहाँ सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें से देखो पानी निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखो फुहारे निकल रहे हैं। तो भाई ये नोएडा अथॉरिटी जो है ना ये साफ़ करवाती है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हो गए इन पर मिट्टी वगैरह जल जाती है, धूल वगैरह, तो उसे साफ़ करवाती है। और बाकी जैसे सामने देख रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो यहाँ पर जाके पानी का छिड़काव करेंगे जिससे कि थोड़ा पोल्यूशन कम होगा। वैसे भाई दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है अभी। ओ भाई गाड़ियाँ धुल रही हैं लोगों की, तो ओ भाई सब गीले हो रहे हैं आगे से जो जो भी जा रहा है। ये देखो गाड़ी धुल गई इसकी, ये धुल गई, ये ले नहा लिए। तो जो जो नहा के नहीं आया वो इसके आगे आ जाओ, सब नहा लेंगे। ये बच के जाना। नहाओ 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 आप भी नहाओ। हाँ नहा लिए ना भाई, रिक्शा उसकी पूरी धुल गई। ओ ये देखता जा रहा बुलेट वाला, मैं नहीं जाऊंगा भाई इसके आगे से, मैं तो साइड में से निकल जाऊंगा ऐसे। सही है भाई। हेलो आ रहा है जिम इस टाइम? भाई थोड़ा लेट हो गए थे, सुबह सारे लेट ही उठे थे, तो फिर वही। कहाँ पे है तू? मैं तो भाई बस पहुंच ही गया हूँ। चल कॉम्प्लेक्स के बाहर मिल। ठीक है भाई जल्दी। अरे भाई देख रहे हो जिम वाले लौटने कितना टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं, 9 बजे कह रहा है जिम करना है। तो भाई आज था संडे, मैंने आपको बताया था, और भाई जिम जाना था, तो सुबह किसी का फ़ोन ही नहीं आया कि जिम चलना है, तो मैंने सोचा मोटो ब्लॉग कर लेती। अब 9 बजे फ़ोन आ रहा बंदे का कि भाई जिम चलें। वैसे हम सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं ना, 6-7 बजे चले जाते हैं, आज 9 बजे फ़ोन आया संडे के दिन कि जिम चल रहा है भाई, 9 बज रहे हैं। मैंने कि आ जा भाई देखते हैं, वैसे मुझे तो घर जाना पड़ जाएगा मेरी समझ से, क्योंकि मैं करने लगूँ तो लेट हो जाएगा। चलो भाई बहुत कम टाइम है अपने पास, 10 बजे मुझे घर भी वापस जाना है और 10 बजे जिम भी बंद हो जाता है, तो जल्दी से चल के हल्का सा गाड़ी वो लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। वो तो भाई जिम में चला गया, देख रहे हो कैसे दोस्त होते हैं, मुझे बाहर बुलाया उसने कॉम्प्लेक्स में और खुद वो अंदर जिम में जा चुका है। मैंने फ़ोन करा कहाँ है, कह रहा भाई मैं अंदर आ गया। मैंने की ले कहाँ है वो रहा। तुझे मैंने क्या बोला था भाई, तुझे क्या बोला था मैंने? तू तो कह रहा था कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। मैंने से कॉल किया हर्ष को, मैंने बोला कि मेरे को वो भेज, उसने बना के कि भैया मैं अभी भेजूंगा नहीं, गेट नंबर इधर हूं तू आ जा मेरे को। उसने अंदर अब भाई मैं वहीं खड़ा था बाहर, मैं 5 मिनट खड़ा रहा, मैंने सोची आ क्यों नहीं रहा, इतना टाइम लग गया तो इसे आने में। मैं यहीं पे था, मैंने यहीं से एंट्री करा दी थी। तू कह रहा था अभी मैं गाड़ी में हूं निकल रहा हूं। चल कोई नहीं, क्या सही ना, जिम में भीड़ भी है कि हेलमेट पहन के जाऊंगा यार, मैं अजीब लगेगा भाई यार, क्या अजीब है। अबे भाई मेरा तो वार्म अप करती है, एक्सरसाइज खत्म हो गई, घर से फ़ोन आ गया बुला रही है मम्मी, जाना पड़ेगा मेरे को छोड़ के। चल भाई जा रहा हूँ, कल आऊँगा अगर हुआ तो, जा रहा हूँ तो निश। फ़ोन कहाँ है मेरा, ले लिया। चाबी कहाँ, चाबी? अबे बाइक की चाबी तो दे। चल ठीक है भाई। शिट यार मूड ख़राब हो गया भाई पूरा, जैसी मैं आया वार्म अप कराई मैंने, वार्म अप भी ख़त्म नहीं हुआ कि मम्मी का फ़ोन आ गया कि आ जा घर आ जा, ये पापा को जाना है बाइक लेके, चलो चलते हैं यार। तो चलो भाई 10 मिनट के वर्कआउट करने के बाद वापस आ चुके हैं हम अपने घर के रास्ते पे, और अभी समय आ चुका है इस व्लॉग को एंड करने का। तो ये था अपना पहला मोटो व्लॉग, तो आई होप आपको ये जो व्लॉग है पसंद आया होगा, मोटो व्लॉग। भाई रुक जा,
रॉन्ग साइड वाले हैं भाई। सुबह सुबह इतनी भीड़ होती है ऑफिस जाने वाले लोगों की, तब भी यार ये रॉन्ग साइड आ जाते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये मोटो ब्लॉग जो है मेरा पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ मुझे बता भी सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं कि कैसे कैसे करना होता है मोटो ब्लॉग, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है, फिर भी मैंने अभी स्टार्ट करा है। बाकी आने वाले दिनों में और भी थोड़ा कैमरे को जो है अपने हेलमेट पे माउंट करके थोड़ा घुमाने की कोशिश करूँगा आपको अगले ट्रिप पे जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने अभी तक, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।